आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास टेंथ के छात्रों के लिए हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी विषय के टॉप 20 प्रश्न। जी हाँ, टॉप 20 प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आपके साथ साझा करूंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर देंगे। और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि अभी यूपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 की जितनी भी विषय हैं सभी से रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो यह मॉडल पेपर हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह जारी किया गया है। और इस मॉडल पेपर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है निर्देश में कि अब की बार जो है 20 प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अब 20 प्रश्नों को भी कवर करना है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। यानी प्रत्येक प्रश्न होगा एक अंक का, यानी 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। यहां पर आप मॉडल पेपर में भी देख पा रहे हैं पूर्णांक 20 लिखा हुआ है। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, एक अंक का होगा। और इस मॉडल पेपर की पूरी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, मैंने प्रोवाइड करा दी है। और जल्द ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। पहला प्रश्न है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं। यहां पर पहला विकल्प दिया है प्रेमचंद, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल और चौथा विकल्प क्या है वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास जो है जिसका नाम क्या है भूले बिसरे चित्र, यह उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। यदि प्रश्न आता है कि भूले बिसरे चित्र रचना की विधा क्या है, तो यह किस विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से रिलेटेड अन्य प्रश्न की भी जानकारी देता चलूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी बेहतर तैयारी होगी यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय आदि विषयों की तैयारी कर सकते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आगे यहां पर प्रश्न कह रहा है अगला कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है इला चंद्र जोशी, दूसरा है विकल्प मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है विकल्प का वाखा दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प गा वाला जो है यह विकल्प सही है। यानी इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों ही शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जरूर नोट कर लें 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। पहला विकल्प दिया गया है निबंध, दूसरा है विकल्प उपन्यास, तीसरा विकल्प है नाटक और चौथा विकल्प क्या है कविता।
तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक हैं धर्मधीर भारती जी। आप ध्यान दीजिएगा, धर्मधीर भारती जी के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यह धर्मधीर भारती जी के द्वारा लिखी गई उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यहां पर आधुनिक काल की समय अवधि है। तो यहां पर प्रश्न आया है कि आधुनिक काल की समयावधि या समय सीमा क्या है? पहला विकल्प है 1850 से 1900 तक, दूसरा है विकल्प 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा विकल्प है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और चौथा विकल्प है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल की समय अवधि या समयावधि या प्रश्न आ जाए आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। कब से कब तक? 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, यानी आज तक। इसके बाद जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है यह प्रश्न, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? और इससे संबंधित और प्रश्न आता रहा है इसी रचना से संबंधित कि त्याग पत्र के लेखक कौन है। तो मैं आपको दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। यहां पर प्रश्न कह क्या रहा है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है जीवनी, दूसरा है विकल्प उपन्यास, तीसरा विकल्प है नाटक, और चौथा विकल्प क्या है? निबंध। तो त्याग पत्र किस विधा की रचना है? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। और यह जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? त्याग पत्र रचना के लेखक कौन है? त्याग पत्र रचना के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई यह रचना है। और इस रचना की विधा क्या है? उपन्यास विधा पर यह रचना आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रश्न, इस रचना से संबंधित दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 6 कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। पहला विकल्प क्या है? रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा विकल्प है भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, तीसरा विकल्प है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कविवर रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? इसका राइट आंसर क्या है? रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रसखान रीत काल की जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसी शाखा से संबंधित कवि हैं। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिखते जाएं, इनका आंसर भी लिखते जाएं। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा आप हिंदी विषय के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, आप वीडियो देख सकते हो और सभी प्रश्नों को आप नोट भी करते जाओ अपनी नोट्स पर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अपनी नोट्स पर आप सभी प्रश्नों को नोट करते जाएं, आपकी तैयारी बेहतर होनी है। इस बार आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर लेकर के आना है हिंदी विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में, ग्रह विज्ञान विषय में और चित्रकला विषय में। और मैंने चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है जिसमें आपको मैंने बताया है कि चित्रकला विषय में भी अब आपको कितने 20 प्रश्न चित्रकला विषय में। आप ध्यान दें, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि चित्रकला विषय में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो अब चित्रकला विषय का जो पेपर होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में उसका भी पैटर्न बदल चुका है, चेंज हो चुका है। आपको मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है
छायावादी युग के लेखक हैं। पहला विकल्प है यशपाल, दूसरा है विकल्प वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा और चौथा क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दिए गए विकल्पों में से छायावादी युग के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं। प्रश्न अगला कह रहा है कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए। पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है मीराबाई और चौथा विकल्प है अशोक वाजपेयी। तो यामा किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा आप ध्यान दीजिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। यदि प्रश्न आए तो आपसे गलत ना होने पाए। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर द्विवेदी युग की कालावधि है। दिए गए विकल्पों में से द्विवेदी युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1971 ईस्वी से आज तक और चौथा विकल्प है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1900 ईस्वी से 1918 या 1920 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वह है द्विवेदी युग की। राइट आंसर क्या है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद अगला प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रश्न कह रहा है क्या कि अद्भुत आलाप के कवि हैं। पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प क्या है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अद्भुत आलाप के लेखक कौन हैं या कवि कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई यह रचना है अद्भुत आलाप। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या यहां पर 11 कह रहा है क्या विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में कौन सा रस है? पहला विकल्प है क्या रौद्र रस है, दूसरा है शांत रस, तीसरा विकल्प है करुण रस और चौथा विकल्प है हास्य रस। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? करुण रस है। आप ध्यान दीजिएगा, अब जो रस से संबंधित प्रश्न आएगा बहुविकल्पी आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार चंदानन पंक्त में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है रूपक अलंकार, दूसरा है श्लेष, तीसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा और चौथा है उपमा। तो हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार चंदानन दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। पहला ही विकल्प सही है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और मैंने रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तीनों ही अलंकार से रिलेटेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। और इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर प्रश्न संख्या 13 सुनत सुमंगल बयन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर पहला विकल्प है 13-13 मात्राएं, दूसरा विकल्प है 20-20 मात्राएं, तीसरा विकल्प है 11-11 मात्राएं और चौथा विकल्प है 9-9 मात्राएं। तो षोड़शा छंद है दी गई पंक्ति में। छंद कौन सा है? दी गई पंक्ति में षोड़शा छंद है। और षोड़शा छंद की परिभाषा या लक्षण क्या है? षोड़शा छंद के पहले और तीसरे चरण में
कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं सोरठा छंद में, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 13 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है क्या कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? यहां तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प सही है, क्योंकि यह जो है दिया गया उदाहरण सोरठा छंद है। और इसके बाद जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है क्या कि अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां पर पहला विकल्प है अभी, दूसरा विकल्प है आ, तीसरा विकल्प है बड़ा आ यानी दीर्घ आ, और चौथा विकल्प है अधि। तो आपसे गलती क्या हो सकती है कि अध्यक्ष शब्द में हो सकता है आप आ को चुन लें, जो कि बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। कौन सा? अधि उपसर्ग लगा हुआ है। और उपसर्ग और प्रत्यय जो महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, सभी को मैंने पढ़ा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वीडियो देख पाएंगे। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है क्या कि हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यहां पर पहला विकल्प है ई और दूसरा विकल्प है आई और तीसरा विकल्प है हरस्व ई यानी छोटी और चौथा विकल्प है साई। तो राइट आंसर क्या है? हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हस यहां पर है धातु, और यहां पर आई प्रत्यय लगा दिया गया है, आई प्रत्यय लगा दिया है, तो क्या हो गया है? हसाई हो गया है। इस तरीके से हसाई हो गया है। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है? आई लगा है, यानी विकल्प कौन सा सही है? दूसरा है। इसके बाद है यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 16, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? पहला विकल्प है पांच सिरों का समाहार, दूसरा विकल्प है पांच पात्रों का समाहार, तीसरा विकल्प है पांच पल्लवों का समाहार, चौथा विकल्प है पांच तत्वों का समाहार। तो पंचानन में यदि पूछा जाए समास कौन सा है, तो पंचानन में द्विगु समास है, क्योंकि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है, और बाकी किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है द्विगु समास वहां पर होता है, यानी उसमें द्विगु समास होता है। और इसमें जब विग्रह होगा यानी पंचानन का जब विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांच सिरों का समाहार। पंचानन यानी पांच सिरों का समाहार। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है क्या कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा? पहला विकल्प है स्वामी, दूसरा विकल्प है सुहागा, तीसरा विकल्प है सौभाग्य, और चौथा है विकल्प दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य होगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है यहां पर क्या कि मतेह रूप है मत शब्द का? पहला विकल्प है षष्ठी विभक्ति एकवचन, दूसरा विकल्प है पंचमी विभक्ति एकवचन, तीसरा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो मतेह रूप है मत शब्द का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एकवचन। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है क्या कि हसित्या रूप है हस धातु का? पहला विकल्प है लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, और दूसरा विकल्प है लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, तीसरा विकल्प है लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, और चौथा विकल्प है लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 20 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? कर्ताज्ञा का संधि विच्छेद है। यहां पर पहला विकल्प है कर्त धन आज्ञा, दूसरा विकल्प है कर्त
प्लस आज्ञा, और तीसरा विकल्प है कर्ता प्लस आज्ञा, चौथा विकल्प है कर्त्रा प्लस आज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्त्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, इसका राइट आंसर है कर्त प्लस आज्ञा, यानी पहला ही विकल्प क्या है सही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी विषय के टॉप 20 प्रश्नों को बताया है और साथ ही इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आपके साथ साझा किया है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर आप हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय तथा चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो और इन विषयों में आप 70 में से 70 अंक जरूर लाओगे यदि आप अपनी नोट्स भी बनाते रहोगे और अपना रिवीजन भी करते रहोगे। चैनल के साथ जुड़कर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।